या हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस से मान लो आपको यूट्यूब वीडियो डिस्प्लेस करने हैं, ठीक है। ऐसे तो आप या तो क्या करेंगे, या तो आई फ्रेम यूज़ करेंगे, है ना, या तो उसको एम्बेड करेंगे, या तो क्या करेंगे, प्लगइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको खुद का एक कस्टम कोड बनाने वाला, सिंपल सा है वर्डप्रेस में कि आप अपने फंक्शन डॉट पीपी में ऐड कर सकते हैं, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा वीडियो का, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें पहले तो ये कोड मैंने भी चैट जीपीटी से किया है ना। चैट जीपीटी आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, बस आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे आप करोगे, कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करने हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये फैंसी बॉक्स की मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी है, ठीक है, सीडीएन से, ठीक है। फिर यहाँ पे ये यूट्यूब का फंक्शन किया है मैंने, इसे शॉर्टकट बनाया, ठीक है, ये है ना। अब इसमें क्या होता है, एपीआई की लगाना पड़ता है, चैनल आईडी बनाना लगाना पड़ता है अपना, ठीक है, जिसका आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चैनल आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको चैनल है, जैसे मान लो तो आपको स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम पर जाएंगे तो ये चैनल आईडी आपको रहता है, वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। और एपीआई की के लिए कैसे, यहाँ पे जाइएगा कंसोल डॉट गूगल, कंसोल डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम, यहाँ पे जाइए, अपने प्रोजेक्ट एक सिलेक्ट होगा आपको, उसमें कर लीजिएगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे भी कर सकते, लाइब्रेरी में जाके इसको अनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पहले अनेबल कर लिया है, ठीक है। और फिर इसी में क्रेडेंशियल्स में जाके आप यहाँ पे एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। तो दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, चैनल आईडी और एपीआई की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 वीडियो डिस्प्ले करा रहा हूँ, आप चाहे तो 8-10 जितने भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका पूरा कोड है, ठीक है। एक तो फंक्शन डॉट पीपी में ऐड करना है, और एक सी एस एस स्टाइल इसकी है, सी एस एस, जो मैंने स्टाइल और सी एस एस में ऐड करी, आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, या तो मतलब आप क्या कर सकते, एक फाइल बना के इसको एम्बेड करा सकते हैं फंक्शन डॉट पीपी में, ठीक है, एन क्यू करा सकते हैं, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे जाके बस इसका दो आइकन लेना है आपको, ठीक है, यहाँ पे दो जो लोगो, ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये मैंने आइकन इसके लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है, यहाँ पे थीम के जो एसेट्स में उसमें डाल दिया, और यहाँ पे यूआरएल दे दिया, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए तो ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले कराने के, जैसे किसी पेज में जाइए और यहाँ पे अपना जो है शॉर्ट कोड वो ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने ये जो बनाया था शॉर्ट कोड वो मैं ऐड कर दिया, मैंने आपको बता देता हूँ, यूट्यूब वीडियोस के हिसाब से बताया था शॉर्ट कोड मैंने, ये देखिए ये शॉर्ट कोड रहता है, ये तो फंक्शन रहता है जो हम लोग बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। ये इतना पता होना चाहिए आपको वर्डप्रेस में। अब शॉर्ट कोड डिस्प्ले कर ले तो ऐसे वीडियो दिखेंगे, और मान लो मैं क्लिक करूँगा तो वीडियो ओपन भी होंगे। अब वैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे 6 वीडियो आ रहे हैं, मेरे को 8 करने, तो यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा, कितने भी आप 9 कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो, अपडेट कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे अभी 6 आ रहे हैं, देखिएगा, है ना, ये देखिए अब हो गया ना, 9 हो गए ना वीडियोस, तो आपके अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, तो प्लग इन करते या तो एम्बेड करते, तो क्या पेज स्पीड बहुत फर्क पड़ता है ना। तो अब सिंपल सा है, ये आ रहा है, आप कर सकते हैं इसको, आपको मान लो कुछ भी कराना, जैसे इसके वो सब भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे करना है, रिस्पॉन्सिव है पूरा ये, है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं। इसका ये पूरा कोड है और फाइल है, मैं आप गिटहब का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यूआरएल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा गिटहब का, तो आप उसमें जाकर कोड देख सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो उसमें चैट जीपीटी कर सकते हैं, उसमें लिखे थे हाउ टू राइट अ कोड फॉर यूट्यूब यूजिंग फंक्शन डॉट पी एच पी इन वर्डप्रेस, ऐसा करके डाल सकते हो, तो आपको कोड मिल जाएगा पूरा, है ना। तो यही है, अच्छा रहता है कि भाई आप प्लगइन ना यूज़ करें, एक जगह पूरा कोड करें, फंक्शन डॉट पी में हम लोग करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।